खेल मैदान में हूँ और आज हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और पौधारोपण और विभिन्न जल संरक्षण और अन्य विषयों पर, पर्यावरण संरक्षण के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। और एक सामान्य आग्रह पे हमारे साथ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान हरदीप सिंह सापिणी जी हमारे साथ आए हैं और जो इस तरीके के सामाजिक कार्यों में निरंतर जुड़े रहे हैं, तो इनसे हम संदेश लेना चाहेंगे। और आज पर्यावरण दिवस में संगरिया शहर से और ग्रामों से जागरूक नागरिक पहुंचे हैं, जहां पर पौधारोपण किया। बड़ी दिल को खुशी मिली कि हम भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं और इसकी ज़रूरत बहुत है। मैं पहले भी कहा था कि ये चीज़ खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि ये एक दिन में तैयार नहीं होती, ये तो हमारे सारों के सहयोग से हो सकती है। और आज जो पौधे लगे हैं, इनको हमारे 5-7 लोग बड़े अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने डिमांड रखी थी कि पानी की दिक्कत है यहाँ पर, तो सबमर्सिबल वाल लगाने के लिए कह दिया, आज सबमर्सिबल लग जाएगा और पानी की समस्या पूरी हो जाएगी। और भी आज हमारे गुरु जी को कहा है हमने कि स्टेडियम का प्रपोजल बढ़ा के दें, ताकि यहाँ पर बच्चों को स्टेडियम भी मिल जाए और शहर को एक जगह भी मिल जाए अच्छी घूमने के लिए, और बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पर बड़ी अच्छी जगह बन जाए। तो ये इसके लिए संगरिया की आवाज़ हमेशा आवाज़ उठाती रही है। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, मीडिया से निवेदन करूंगा कि इस बात को पूरा उछाला जाए, ताकि सभी की निगाह में आ जाए। और 5 जून आज दिन जो है पेड़ लगाने का, आज का दिन ही नहीं है, आज से लेकर 15 अक्टूबर तक दिन अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि रोज़ पर्यावरण हर गांव में लगे और हर गांव में टीम जरूर बने, इसकी एक कमेटी बन जाए 5-7 लोगों की, ताकि उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। और यहाँ पर भी मैं तो कहूँगा कि एक कमेटी नियुक्त हो जाए तो उनकी जिम्मेवारी छोड़ दें। लोग सेवा करने को तैयार हैं, अनुदान देने को तैयार हैं, लेकिन कोई संभालने वाला चाहिए। यहाँ पर भी कमेटी की जरूरत है, कमेटी यहाँ बन जाए। लगातार बच्चे संभाल रहे हैं हाँ जी, और आपके आग्रह को हम स्वीकार करेंगे और सारे संगरिया एरिया में विभिन्न लोगों को जोड़कर पर्यावरण का काम करेंगे। कुछ जैसे पर्यावरण दिवस है तो एक पौधारोपण तक सीमित नहीं है, इसमें प्रदूषित पानी का भी मुद्दा है, अन्य मुद्दे भी हैं, स्वच्छता का भी मुद्दा है, ये सब पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं। इन पे आपके कोई सुझाव, कुछ बिल्कुल। बातें? जब पौधे कम होने के कारण गर्मी ज़्यादा हो रही है, और गर्मी ज़्यादा होने के कारण हम एसी वगैरह और लगा रहे हैं, उससे प्रदूषण और ज़्यादा हो रहा है और गर्मी हो रही है। और इसलिए अपने पेड़ ज़्यादा हो तो टेम्परेचर भी कम हो, बरसातें भी ज़्यादा हो। और जो अपने पानी की बात की जी, बड़ा अहम मुद्दा है, अहम मुद्दा ये है प्रदूषित कि पानी का। हमने पीने वाले पानी का जो लिखा था कि 2030 तक आते आते 85% लोगों को कैंसर हो जाएगा अगर ये पानी पीते रहे। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल पहले भी निवेदन किया था कि विधायक जी ने पूरा ये मुद्दा तैयार कर रखा है, पूरा वहाँ पर जाके सीढ़ी बना रखी है विधानसभा में, पहली बात ये रखेंगे पानी पीने के लिए। इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट पानी पीते हैं पंजाब के, और पूरा डिवीजन बीकानेर हमारा पानी पीता है, और प्लस जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिले वो पानी पीते हैं। 8 जिले हाँ, 8 जिले राजस्थान के हैं और 8 जिले पंजाब के हैं, 16 जिलों पानी पीते हैं। और पानी पीने के हमारे पास साधन नहीं है भी, और किस तरीके से पानी पी सकें, ये नहर का पानी पीने के लिए मजबूर है हम। और पानी इतना अच्छा था कि पहाड़ों से जड़ी बूटियां वाला पानी था, हमारे को दवाई के रूप में काम करता था, लेकिन अब उसमें गंदा पानी डलने के कारण, सीवरेज का पानी डलने के कारण इसमें दिक्कत आ रही है। और इसको पूरा मुद्दा उठाएंगे, 2 साल में इसका हल निकाल के छोड़ेंगे ये। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजकीय स्कूल के खेल मैदान में, और यहाँ राजकीय सेवारत अधिकारीगण भी हैं, नगर पालिका के भी हैं, और राजकीय स्कूल के स्टाफ भी यहाँ आए हुए हैं, और शहर की तमाम संस्थाओं के लोग हमारे बीच में हैं। और अभी इस बात में मुझे कोई शक नहीं है, इस खेल मैदान के दिन अच्छे आए हैं और ये फुलित फलित होगा। धन्यवाद।